कृष्णा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। कार्तिक के महीने में भगवान की थोड़ी सी भी जो भक्ति कर ले उसका लाखों गुना अधिक फल होता है और भगवान को दीप दिखाने का बहुत महत्व है। स्कंद पुराण में एक छोटी सी घटना आती है क्या कि एक चुहिया मंदिर में थी, कार्तिक का महीना था, तो वो उसको बहुत तेज भूख लग रही थी और वो भूख देखते देखते उसको मंदिर में कुछ मिला नहीं, तो उसने क्या देखा, दिया जल रहा था उसमें बाती लगी थी, उसमें घी लगा हुआ था, तो वो बाद में देखती है कि जोत खत्म हो रही है, तो उसने उसको बाती को खा लिया और उसकी जो मुंह पर बाल थे वो जलने लगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका शरीर में जो बाल थे वो जल गए, तो वो क्या कर रही है बचने के लिए कि आग बुझे, तो वो उछल रही है, वो राधा कृष्ण का विग्रह था मंदिर में, तो वो उछल रही है, तो भगवान ने सोचा ये दीपदान कर रही है, तो जैसे ही भगवान ने क्या किया उसको दीपदान समझ के स्वीकार कर लिया और कार्तिक के महीने में दीपदान समझ लिया, तो जैसे ही उसका शरीर वहां पर खत्म हुआ तो उसको तुरंत सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान के धाम जाने का। फिर से भगवान की भक्ति प्राप्त हुई कि हम जैसे ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है तो ये कार्तिक का महीना है, इसमें भगवान को दीप दिखाने की बहुत महिमा है और जो दूसरों को दीप अर्पित करने के लिए प्रेरित करे उसका भगवान भी यशगान करते हैं, उस व्यक्ति से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है उसको जो दूसरों को दीपदान करवाए। तो इसमें अब आगे लीलाएं सारी आपको आगे सुनाएंगे, दामोदर लीला है और भगवान दीपावली आती है, गोवर्धन पूजा की लीला है, राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ, ये सब लीलाएं कार्तिक के महीने में हुई है। तो इसकी जैसे जैसे आपको ये आगे हमारा प्रोग्राम रहेगा वहां पर आपको अलग अलग लीलाएं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से आपको सुनाया जाएगा। तो कल से दीपदान जरूर करें, सुबह डेली जल्दी उठें, माला जप करें, रोज हरिनाम संकीर्तन करें और जिन लोगों को आप मिल रहे हो सकता है उन्होंने जिंदगी में हरे कृष्णा ना बोला, तो उनको हरे कृष्णा जरूर बोलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।